अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फिज़ान अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी चौका चैनल की ये तीसरी वीडियो है, तो मैंने सोचा चले आप दोस्तों को पहले मैं आपका मेरा जो अपना माल है वो दिखाऊं, और बाद में इंशाल्लाह अच्छे अच्छे रेवड़ों की वीडियो में दिया करूँगा। उन वीडियोज़ को हासिल करने के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहा करेंगे। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ की तीन वीडियो डालूंगा, ठीक है ना? तो चलें मैं आपको अपने जानवर दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये एक ब्लैक बेल्ट में प्योर बीतल पट है। जितने भी जानवर साइड में आपको नज़र आ रहे हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरे सिर्फ तीन या चार जानवर हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और मेरे पास जो जानवर हैं उनकी क्वालिटी का अंदाज़ा आपने देख कर खुद लगाना है कि क्या अच्छी क्वालिटी के हैं या लो क्वालिटी के हैं, ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना भी है कि जानवर आपके कैसे थे, अच्छे थे, शौक वाले थे या वैसे गुजारे वाले थे। तो ये आप मेरा चेक करें, अभी बिल्कुल फ्री फ्रेश है और फर्स्ट टाइम ये क्रॉस हुई है मेरी पट। ब्लैक पेन में बीतल है, माशाल्लाह प्योर है और बिल्कुल ना ये तैयार है सोने के लिए। मैंने कहा चले यार वीडियो और रेवड़ की बनानी है, तो आपको ना अपने थोड़े से जानवर चेक कराता हूँ। मेरे जो जानवर अपने जाती हैं मैं वो आपको चेक करवा रहा हूँ, बाकी रेवड़ वालों के, ठीक है ना? आप सिर्फ मेरे चैनल पर गौर कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह रेवड़ की वीडियोस, इस रेवड़ की वीडियोस जुनैर भाई के चैनल पर पहले आ चुकी हैं, तो मैं इनकी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह किसी डिफरेंट रेवड़ की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना? अब एक दफ़ा ये जानवर चेक करें, ये भी मेरे पास एक ना अभी अगानी है। बेसिकली इनके मैं डाली नहीं, वैसे शौक से अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने डाली है। और ये अभी धोंदी भी नहीं, बिल्कुल खीरी पट है ना। मैंने ये सेल करने, मैंने सोचा कि चलें दोस्तों को ना अपना शौक भी चेक करवा दूँ कि किस किस्म का शौक मैंने किया हुआ है। आप अपने जानवरों की पिक्स वगैरह मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होगा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर करें। ये जानवर मेरा नहीं है, ये वैसे अशरफ साहब का था तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, ये मेरा जानवर नहीं है, लेकिन शौक वाला जानवर है तो वैसे मैंने दिखा दिया आपको वीडियो में। आपको मैं मज़ीद है ना अपना जानवर भी चेक करवाता हूँ कोई ना कोई। इसे एक दफ़ा देखें, ये प्रेगनेंट बकरी है बिल्कुल। और मैंने कहा चले यार अपने जानवर तो दिखाने ही हैं, साथ में कोई शौक वाला जानवर भाइयों को दिखाएं। मेरे जानवरों की क्वालिटी का अंदाज़ा आपको हो गया होगा, किस क्वालिटी के आपने देखे होंगे, और बताना आपने ज़रूर है कमेंट सेक्शन में कैसे जानवर थे मेरे, ठीक है ना? इसके अलावा एक मेरे पास ये है, रेड प्रिंट में है, बीतल है और लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि इसके प्योर नहीं है, इसके कान नहीं इतने लंबे। और ये एक छोटा बच्चा है, ये भी मेरा ही है, मेरा नहीं मेरी बकरियाँ का है, ठीक है ना? दो ये देखें माशाल्लाह, गानी वैसे मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए डाली हुई है। और जनरल मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने। अच्छा दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस किस्म की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए ना मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको ना मैं डेली की रोज़ाना की तीन वीडियो रेवड़ों की इंफॉर्मेटिव हर किस्म की वीडियो दिया करूँगा, ठीक है ना? तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये आ गई जी मेरी बड़ी बकरी, जो मेरे सबसे बड़ी बकरी है ना, अच्छा जानवर है, रेड प्रिंट में बीतल है। इसकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, मैं तारीफ़ वगैरह खुद नहीं करूँगा क्योंकि तो मैंने कौन सा सेल करने है, मैं तो सिर्फ आपको अपना एक शौक चेक करवा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके अच्छे लगने के बदले मेरा ना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे और भी गाइड कीजिएगा कि आपके पास किस, मुझे ये आपने ख़ुद बताना है कि किस नस्ल के जानवर है मेरे पास, और क्या अच्छे जानवर हैं या वैसे गुजारे वाले हैं, ठीक है ना? ये चेक करें, माशाल्लाह बीतल में लग रही है मुझे, लेकिन आप ज़्यादा मुझसे समझदार और एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे तो गाइड कीजिएगा कैसा जानवर है मेरा। और ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी आ रही है क्योंकि अभी तीसरी वीडियो, अभी इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग गाइड भी कीजिएगा किन टॉपिक्स पर वीडियो आपको चाहिए। मैं देखिए आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जुनैर भाई के चैनल पर ना गोट फार्मिंग की एक आ रही है सीरियल पूरी, अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो उस चैनल पर आप उनको सब्सक्राइब कर लें, लेट्स डिस्कवर एवरीथिंग वाला। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको रेवड़ों की और गोट फार्मिंग, बेसिकली मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है जुनैर भाई जितना, लेकिन मैं उनसे खुद आप पूछ दिया करूँगा जो क्वेश्चन आप मुझे कहाँ करेंगे, जुनैर साहब से और भी जितने भी अच्छे रेवड़ों वाले होंगे ना उनसे मैं पूछ दिया करूँगा, और आपको इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ दिया करूँगा। ये ब्रीडर मेरा नहीं है, ये अशरफ साहब के माल में था, तो इससे मैंने बड़ी बकरी क्रॉस करवाई हुई है, और जो पाठ अभी प्रेग्नेंट है वो भी इससे ही क्रॉस्ड है। तो चले वीडियो एंड करते हैं, बहुत शुक्रिया सर वीडियो देखने का, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे।